नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों से रूबरू हो, ये रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का इमोशनल कार्ड, 5 लाख में बोली बहनों को लिखा खत, 5 और साल का मांगा आशीर्वाद। बहनों को लिखी शिवराज की चिट्ठी पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार, कांग्रेस ने पूछे क्यों चाहिए और 5 साल, तो बीजेपी बोली भाई बहन के रिश्ते के बीच कोई नहीं बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निजी सुरक्षा अधिकारी ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। कटनी में मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, करीब 2 दर्जन मजदूर घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान से बरसी आफत, मूसलाधार बारिश से बाढ़ से हालात, पानी में डूबे कई गांव, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निजी सुरक्षा अधिकारी ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक राममोहन दंडोतिया एसबी शाखा में पदस्थ हैं। इन दिनों राममोहन की पोस्टिंग बतौर पीएसओ थी। जानकारी के अनुसार बुधवार रात राममोहन का उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस सभी को अपने साथ थाने लेकर जा रही थी, उसी समय राममोहन ने खुद को अपनी सर्विस पिस्टल से गोली मार ली। गोली सीधे राम मनोहर के सिर पर लगी। राम मनोहर को तुरंत निकट के हजेला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कटनी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उमरिया पान परसेल गांव के बीच यह हादसा हुआ। सभी मजदूरों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जबकि कुछ गंभीर घायलों को कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर एक पुलिया क्रॉस कर रहा था, इसी बीच वह अनियंत्रित हो गया और ट्रॉली समेत पुलिया के नीचे जा गिरा। सागर में एक कोबरा सांप ने पहले तो 12 अंडे निगल लिए और जब चलना फिरना मुश्किल हुआ तो एक एक करके 9 अंडे उगल दिए। लोगों के लिए पूरी घटना कोथुल का विषय बनी हुई है। लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कैंट की है, जहां मुर्गियों के बाड़े में कोबरा को देखकर लोग डर गए और तुरंत सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया। बाड़ में 19 अंडे थे, जिनमें से कोबरा ने 12 अंडे निकल लिए। इतने अंडे निकलने के बाद कोबरा का चलना भी मुश्किल हो गया। जब कोबरा को बाड़ से पकड़कर बाहर निकाला गया तो उसने एक एक करके 9 अंडे उगल दिए। पूरा तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बाद में कोबरा को प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया गया। विदिशा में नवीन कॉलेज को नई बिल्डिंग मिलने के बाद भी छात्रों की समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। कई वर्षों से जगह की कमी से जूझ रहे कॉलेज को टीलाखेड़ी में बिल्डिंग मिल गई। अब छात्रों को सभी विषयों के लिए क्लासरूम मिल गए हैं, लेकिन इन क्लासरूम में फर्नीचर ही नहीं होने से छात्र परेशान हैं। कॉलेज में अभी 1000 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्नीचर केवल 350 छात्रों का ही उपलब्ध है। भवन बनने के बाद छात्रों की संख्या बढ़ने जा रही है। गौरतलब है कि 2010 से विदिशा में संचालित ये कॉलेज पहले नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा था। हाल ही में कॉलेज की अपनी बिल्डिंग तैयार हुई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन श्रीवास्तव की माने तो जन भागीदारी से फर्नीचर, परिवहन सहित सभी समस्याओं का हल कर लिया जाएगा। चुनावी साल में शिवराज सरकार और संगठन आम जनता के घर में सीधे घुसपैठ बना रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी मुंह बोली बहनों के मन को छूने की कोशिश की है। नया चुनावी दाव खेलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 5 लाख महिलाओं यानी अपनी बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर मार्मिक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखे भाव का मतलब ये है कि बहनें शिवराज को 5 साल दें, बदले में वे उनको सुरक्षा और खुशहाल वातावरण देंगे। 25 लाइनों के इस पत्र में एक भाई की अपनी बहन से अपील है। इसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में अगले 5 साल का भी आशीर्वाद मांगा है।
रक्षाबंधन की शुभकामनाओं से शुरू हुई इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों से कहा है कि आपके विश्वास और सहयोग से उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत की थी। तब से वे खुद बहनों की सेवा का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लिया तो निश्चय किया था कि बहनों के लिए कुछ विशेष करना है, तभी अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का निर्णय लिया था। ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचल की बहनों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री ने महिलाओं के हित में प्रदेश में संचालित योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो बहनों के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में बहनों से अपील की है कि चिट्ठी मिलने के बाद वे चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल, SMS या व्हाट्सएप करें। इस अपील के साथ लिखा है कि चिट्ठी के मिलते ही ये समझ लीजिएगा कि आपका भाई आपके द्वार आ गया। MP के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का रक्षाबंधन से पहले बहनों के नाम लिखी चिट्ठी से बवाल मच गया है। शिवराज को घेरते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज की मंशा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि जो शिवराज सरकार पिछले 15 साल में बहनों भांजियों को प्रदेश में सुरक्षित माहौल नहीं दे पाई, प्रदेश को महिला अत्याचार से देश में शीर्ष पर ला खड़ा कर दिया, वो अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार पर किस मुंह से बहनों से सुरक्षित और खुशनुमा माहौल के लिए 5 साल और मांग रहे हैं। वही भाई बहन की चिट्ठी के बीच आई कांग्रेस पर पलटवार करते हुए BJP की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस भाई बहन के रिश्ते के बीच ना आए तो अच्छा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश ग्वालियर पहुंच चुका है। अस्थि कलश को अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, दामाद रंजन भट्टाचार्य और भांजे अनूप मिश्रा विशेष विमान से लेकर ग्वालियर पहुंचे, जहां से कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और करीब 20 किलोमीटर का सफर तय कर ये कलश यात्रा शहर के फूलबाग चौक पहुंचेगी, जहां पर श्रद्धांजलि सभा होगी। जिस जगह से भी ये कलश यात्रा गुजर रही है वहां पर रास्ते में लोग अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फूलबाग में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के कई मंत्री शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद अटल जी का अस्थि कलश महाराज बाड़ा के BJP कार्यालय मुखर्जी भवन में रखा जाएगा। वहां लोग 23 अगस्त को अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 24 अगस्त को चंबल नदी में अटल जी की अस्थियां का विसर्जन किया जाएगा। PSC घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने CM शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जगदीश सागर की डायरी से मिले सबूत को साफ हो गया है कि व्यापम के साथ ही PSC परीक्षा में भी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा डायरी में मामा और VIP शब्द का इस्तेमाल किया गया है और प्रदेश में मामा किसे कहते हैं ये सबको पता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इस मामले की CBI जाँच कराने के लिए वो पत्र लिखेंगे। उन्होंने CM शिवराज को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दी और कहा कि शिवराज सामने आए तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरे 10 साल और उनके 15 साल में किसने ज्यादा विकास किया है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 23 लाख फर्जी वोटर्स थे जिन्हें कांग्रेस की शिकायत पर हटाया गया है। ये मामा जी कौन है और VIP कौन है, सागर का इंटरोगेशन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये कौन है। मैं इस बारे में डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को और डायरेक्टर CBI को पत्र लिखूंगा। शिवराज जी धन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और कह रहे हैं कि पिछले जो है वो कांग्रेस। बुरहानपुर के डेढ़तलाई क्षेत्र के 3 गांव में बुधवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को यह आभास हुआ कि धरती में कंपन हो रही है वे अपने घरों से बाहर आ गए। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने इसे भूकंप बताया है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:45 बजे जैसे ही धरती में कंपन हुई तो लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी के हालात बन गए। पिपरी बोरवन और बालापाट गांव में इस तरह के हालात दिखाई दिए। भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र का 16 बर्डी इलाका बताया गया है। डेढ़तलाई महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 3 से 5 सेकेंड तक उन्होंने झटके महसूस किए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता की जानकारी नहीं मिली है। पिछले 2 दिन में हुई बारिश से मध्य प्रदेश का हर कोना तरबतर हो गया है। मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई गांव और कस्बे पानी से घिर गए। सड़कों का संपर्क टूट गया। बस्तियों और घरों में पानी भर गया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं।
मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन और मौसम के इसी तरह रहने के आसार हैं। भारी बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदियों का पानी घरों में घुस रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीमच के पावटी गांव में तो केरल जैसा मंजर देखा जा रहा है। पूरा गांव पानी से भर गया है। कई जगह पुल पर से पानी बह रहा है, जबकि तालखेड़ा अंडरब्रिज पूरी तरह से स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। कुछ ऐसे ही हालात मंदसौर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में करीब 6 इंच बारिश हो चुकी है। इसके अलावा रायसेन, विदिशा भी पूरी तरह पानी पानी हो चुका है। प्रशासन लगातार इन जिलों में नजर बनाए हुए है। मुल्ताई में रेल रोको आंदोलन कर रहे दो पूर्व विधायकों समेत 250 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात था। इनका कहना था कि मुल्ताई में ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने बैतूल सांसद समेत जिले के 5 विधायकों पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। आंदोलनकारी रैली के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनको स्कूल मैदान में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया। एसडीएम ने गिरफ्तार लोगों को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया, पर इन्होंने मुचलका देने से इनकार कर दिया, जिस कारण फिलहाल ये जेल में ही है। इन्होंने प्रशासन पर आंदोलन कुचलने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक ट्रेनें नहीं रुकती, इनका आंदोलन जारी रहेगा। स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद सफाई व्यवस्था का जायजा लेने गुजरात के नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त एक दल के साथ इंदौर पहुंचे। इस दल में गुजरात नगर निगम के कई आयुक्त भी शामिल हैं। इन्होंने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई रखने का सिस्टम समझा। दल ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में निगमायुक्त आशीष सिंह से मुलाकात भी की। निगम के अधिकारियों ने दल को शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सिस्टम और अन्य कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन के जरिए अलग अलग जानकारियां दी। देखिए, गुजरात के जो आयुक्त हैं नगरीय प्रशासन के, वो अपने दल के साथ कल यहाँ पे आए हैं और उनको वहाँ के ऐसा उनको बोला गया है कि इंदौर के पूरा स्टडी करके आएँ और यहाँ के जो नगर निगम और नगर पालिकाओं में वो व्यवस्था लागू करें। तो कल उनको पूरा मेरे द्वारा और हमारी टीम द्वारा उनको पूरा भ्रमण कराया गया है और आज उनको एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि हम लोगों ने किस तरह से ये योजनाएँ की हैं। उनके साथ उनके कुछ नगर निगम के आयुक्त भी आए हुए हैं और उनकी SBM की टीम आई हुई है और वो पूरी व्यवस्था आज कल भी उन्होंने देखी। मध्य प्रदेश में बोगस वोटर्स की शिकायत हर जिले से आने लगी है। ताज़ा मामला शिवपुरी का है, जहां जिले के पिछोर इलाके में 12,000 बोगस वोटर्स की शिकायत पर 4 BLO को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मंगलवार को पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता और भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे कि पिछोर मतदाता सूची में गड़बड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी को इसका हर बार लाभ मिल जाता है। कलेक्टर ने मामले की जांच करते हुए तत्काल 4 BLO को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पिछोर से कांग्रेस के कद्दावर नेता KP सिंह 5 बार से विधायक हैं। नाम 3 दिन जगह में लिखाए हैं, जैसे पूर्व गवर्नर को आनी तो इनको भी उठाने पड़ेगी। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में सरकारी कॉलेज के पीछे बने तालाब से पुलिस को एक युवक का शव मिला है। युवक की शिनाख्त राहुल रघुवंशी के तौर पर हुई है। पुलिस शनिवार से राहुल के शव की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को 19 अगस्त को यानी कि शनिवार को तालाब से एक नाबालिग युवती की लाश मिली थी। इस दौरान घटनास्थल से जूते, चप्पल, मोबाइल और अन्य सामान भी मिला था, जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि तालाब में किसी युवक का भी शव हो सकता है। इसी आशंका के चलते पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी, जिसमें आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। खरगोन में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शहर के पहाड़ सिंहपुरा में मंगलवार को महिला की फांसी लगाने से मौत हो गई। एकता अपने पति के साथ मंगलवार को ही उज्जैन से लौटी थी, उसके बाद घर में झगड़ा हुआ। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि घर में सास ससुर दोनों एकता को परेशान करते थे। SDOP कार्यालय में परिजनों के बयान ले लिए हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में 23 अगस्त को विजयनगर इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर
उमाशंकर शर्मा की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उमाशंकर की हत्या की साजिश उसकी ही साली ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक उमाशंकर साली पर बुरी नजर रखता था और इसी के चलते उसने अपने प्रेमी अंकित यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। अंकित यूपी का रहने वाला है, जिसने अपने दोस्त देवेंद्र मौर्य के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलाया था। अंकित ने ही देवेंद्र को पिस्टल और कारतूस मुहैया कराए थे, जिसके बाद देवेंद्र जबलपुर आया और उमाशंकर की हत्या कर वापस यूपी फरार हो गया। मामले में पुलिस ने उमाशंकर की साली को 16 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसकी ही निशानदेही पर अब दोनों अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रीवा में केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी की मौत की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने डिप्टी जेलर से बदसलूकी भी की। विवाद की सूचना मिलते ही सीएसपी शिवेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। कैदी भतीजी से रेप के आरोप में 18 अगस्त से जेल में बंद था। वो शुगर का मरीज था। सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर के रामचंद नगर चौराहे के पास बीच सड़क पर एक वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से वैन धू-धू कर जलने लगी। किसी तरह से वैन ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस जगह ये घटना हुई उससे महज कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप था, जिससे कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। महाकाल नगरी उज्जैन में अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला। महाकाल मंदिर से लगी दुकानों पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 40 से ज्यादा पूजा के सामान की घुमटियों और दो दर्जन दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन, निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से लोग विरोध नहीं कर सके। दरअसल अवैध निर्माण के चलते महाकाल मंदिर के आसपास कम जगह बची है, जिससे पूजा की दुकानों का सामान रोड पर पड़ा रहता है। कुछ दिन पहले एक दुकानदार का सामान गिरने के बाद हुए विवाद में दर्शनार्थी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसी के चलते प्रशासन मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा रहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। बालाघाट के नगरवासियों ने अपनी कई मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। शहर में लंबे समय से परेशान नगरवासियों ने सड़क पट्टा और नाली की समस्या को लेकर कई बार मंत्री गौरीशंकर बिसेन से लेकर नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। बावजूद इसके उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। यहां तक कि नगरवासियों ने जनप्रतिनिधियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने के एवज में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होते ही एक भी जनप्रतिनिधि जनता का हाल जानने तक नहीं आता, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने अब चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सीहोर में छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में छात्रों ने रैली निकाली। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ अन्य सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगरपालिका चौक पहुंची, जहां छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और छात्रा के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वारदातें अक्सर होती रहती हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर कॉलेज प्रबंधन से भी चर्चा की गई है। श्योपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का अवलोकन करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर सुमन ने कहा कि दोनों विधानसभा के मतदान केंद्रों का राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त दौरा करेंगे और संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करेंगे। रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद शहर में लगे होर्डिंग और बैनरों को हटाने की कार्रवाई करें। इसके साथ ही अधिकारी आम लाइसेंसों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक करना हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए सुरक्षा के दिशा में व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिले की सीमाओं को सील किया जाएगा और चेकिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई जनसुनवाई अब केवल औपचारिकता बन गई है। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिले भर के लोग उम्मीदों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। भिंड जिले में जनसुनवाई का यही हाल है। यहाँ कलेक्टर के निकलते ही विभागों के अधिकारी भी गायब हो जाते हैं और रह जाते हैं केवल फरियादी, जो अपनी शिकायतों को लेकर भटकते रहते हैं। पूरे मामले पर कलेक्टर आशीष गुप्ता का कहना है कि जिस हॉल में जनसुनवाई होती है उसमें चुनाव का कार्य चल रहा है। कलेक्ट्रेट में इतना बड़ा हॉल ना होने से समस्या है। वहीं जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यहाँ आने वाले दिनों में सैलरी के लाले पड़ सकते हैं। धीरे धीरे विद्यालय की हालत बिगड़ती जा रही है। प्रबंधन की उदासीनता के चलते कहीं से बजट नहीं मिल रहा है। 2 सालों से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में बजट की फाइल अटकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 4 करोड़ रुपए का भुगतान पेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा 6 सालों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई बजट नहीं मिला है, जबकि 3 साल पहले 50 करोड़ के अनुदान का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी फाइल अभी तक अटकी है। सारे खर्च फीस पर आधारित होकर रह गए हैं। श्योपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो हमारे सिस्टम पर शर्म करने को मजबूर कर देगी। यहाँ घुटनों तक भरे पानी से लोगों को अर्थी मुक्ति धाम ले जानी पड़ती है। नारायणपुर गांव के इस मुक्ति धाम में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा लोग खेत से होकर अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। पर बारिश के समय इस खेत में पानी भर जाता है, तब लोगों को घुटने तक पानी से होकर अर्थी निकालनी पड़ती है। इतना ही नहीं, मुक्ति धाम के लिए 2 बीघा जमीन आरक्षित है, पर अधिकांश हिस्से पर अतिक्रमण हो गया है, जिससे मुक्ति धाम सिर्फ 1/2 बीघा बचा है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए चबूतरा तो है, पर उस पर टीन शेड नहीं है, जिससे लोगों को बारिश में अंतिम संस्कार करने में मुश्किल होती है। गांव वाले कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। रायसेन के गैरतगंज में बाइक सवार 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। नदी में बहने वाले 2 युवक रिश्ते में मामा भांजे थे, जिनमें से 1 युवक का शव और बाइक मिल गई है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। युवकों की शिनाख्त अलीम खां और इरफान खां के तौर पर हुई है, जो गैरतगंज के वार्ड क्रमांक 5 के रहने वाले थे। दोनों बकरीद पर बकरा लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। काफ़ी घंटों बाद एक युवक का शव और बाइक नाले के रपटे से कुछ ही दूरी पर मिला, जबकि दूसरे का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस की शुरुआत प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने के लिए की गई थी, लेकिन प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं की पोल तब खुल गई जब एक प्रसूता घंटों इंतजार करने के बाद काल के गाल में समा गई, लेकिन जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंची। घटना टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान के हैदरपुर गाँव की है। आदिवासी महिला हरिबाई आदिवासी को बुधवार सुबह 6 बजे अस्पताल ले जाना था। परिजनों ने कई बार जननी एक्सप्रेस बुलाने के लिए फ़ोन किया, पर कॉल करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आखिर परिजन ऑटो से अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। राजगढ़ में बने मोहनपुरा डैम के 4 गेट भी खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी डैम में पानी पूरी तरह से नहीं भरा है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर यह निर्णय लिया गया है। मोहनपुरा डैम की भराव क्षमता 498 मीटर है, लेकिन अभी डैम में 457 मीटर ही पानी भरा था। इसके बावजूद डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोले जाने के पीछे जो कारण सामने आ रहा है वो ये है कि डैम के कारण जो क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहा है वहाँ अभी भी कुछ गांव में लोग रह रहे हैं, और अगर पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ा तो गांव में पानी भरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डूब क्षेत्र में दूधी नदी पर बना रेलवे का पुल भी आता है, उस पर भी पानी आने के आसार हैं, और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही डैम के 4 गेट 7 मीटर तक खोल दिए हैं। अनूपपुर में जिला कलेक्ट्रेट के पास ही बना खनिज विभाग और नापतौल विभाग का दफ्तर भी बारिश में जलमग्न हो गया।
दोनों ही विभागों के दफ्तरों के बाहर पानी भर गया है, जिसके कारण दफ्तरों का काम ठप हो गया है और छुट्टी जैसा माहौल हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों दफ्तरों के बाहर मैदान में पानी भर गया है। दफ्तरों तक पहुंचने के लिए कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, जिसके कारण दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और छुट्टी जैसा माहौल बन गया है। अभी आपने शहडोल शहर में दफ्तरों के बाहर बने तालाब की तस्वीरें देखी, अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसके कारण शहर में पानी सप्लाई प्रभावित हुई। घटना जुमई के पास की है, जहां पर पाइपलाइन फूट गई और हाईवे पर पानी की धार निकलने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पाइपलाइन फटी और फिर हाईवे पर पानी की बौछार होने लगी। पाइपलाइन के फटने के कारण शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। लोगों का कहना है कि अक्सर बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है और अब पाइपलाइन और फूट गई है, जिसके कारण सप्लाई प्रभावित होगी। खंडवा में लगातार हो रही बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के कई हिस्सों में घरों में पानी भर गया है, तो वहीं दुकानों में पानी भरने से खासा नुकसान हुआ है। राजमाता कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे दुकानों में रखा सामान खराब हो गया, तो वहीं खेत में पानी से भर गए हैं, जिससे फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसान को चिंता है कि कहीं बारिश के चलते उसकी फसलें चौपट ना हो जाएं। वहीं नीमच में भी बारिश के चलते हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण सड़कों का संपर्क टूट गया है। गांव के हालात और भी बुरे हो चुके हैं, क्योंकि नदी नालों के उफान पर होने से लोग गांव में ही कैद हो गए हैं। कई घरों में पानी भर चुका है, जिससे घर गृहस्थी का पूरा सामान खराब हो गया है। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा में दो दिन से हो रही बारिश से बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। हलाली बांध का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। डैम का लेवल फिलहाल 457 मीटर है। डैम को पूरा भरने में अब करीब 3 मीटर पानी की ज़रूरत है। आज जिले भर में करीब 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दूसरे बांधों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश तेज़ होती रही। लगातार हो रही बारिश से बेतवा भी उफान पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहें पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।